हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आपके घर के अंदर लाइट नहीं आ रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो क्या होता है, कहीं से कहीं दिक्कत हो जाती है, लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं से वायर जल जाता है, तो आपको किस तरह से उसको चेक करना है। आपको सबसे पहले आपको जो मीटर से आपको अनसीबी तक जो वायर आ रहे हैं, लाइन आ रही है, उसको आपको चेक करना होगा। आपको अनसीबी बॉक्स को ओपन करके वहाँ पर आपको टेस्टर की मदद से चेक करना होगा आपको वहाँ पर सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो आपको यहाँ पर पेस वायर को चेक करना सबसे पहले टेस्टर की मदद से। जो टेस्टर में अगर पेस वायर आपको बता रहा है वहाँ पर वोल्टेज अगर आ रहा है, तो आपको फिर से न्यूट्रल वायर को भी चेक करना है। न्यूट्रल वायर को आपको किस तरह से चेक करना है, आप होल्डर एक बल्ब लेना है और वहाँ पर वायर लगाकर आपको चेक कर लेना है। अगर वहाँ पर लाइट आ रहा है तो, या अगर उसमें आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर दोनों में पेस बता रहा है, जो न्यूट्रल है उसमें भी पेस बता रहा है और पेस के अंदर भी पेस बता रहा है, तो आपको इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपकी अनसीबी के साथ में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, जो अनसीबी के इनपुट के अंदर भी आ रहा है और आउटपुट के अंदर सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर भी बोर्ड जो होते हैं, बोर्ड के अंदर भी आप चेक कर रहे हो, 5 पिन सॉकेट के अंदर भी ऐसा बता रहा है, पेस के अंदर पेस और न्यूट्रल के अंदर भी पेस बता रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व करना है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए और आल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये बोर्ड है, हमारे जो घर का बोर्ड है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे घर पर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने यहाँ पे टेस्टर लगाया और अभी हम स्विच ऑन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टेस्टर लगाया, तो टेस्टर यहाँ पर बता रहा है पेस, यहाँ पेस के अंदर तो पेस बताता है और इसके साथ में जो न्यूट्रल है उसके साथ में पेस बता रहा है। तो इस तरह की आपके घर में प्रॉब्लम है, तो आपको किस तरह से इसको प्रॉब्लम को सही करना है, किस तरह से आपको लाइट को चालू करना है, तो हम आपको बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो यहाँ जो पॉइंट है, आप देख सकते हैं बी पॉइंट के अंदर यहाँ पर आपको पेस हो कर रहा, तो इसमें आपको दो कंडीशन हो सकती है, यानी आपको एक तो आपके एक एक बोर्ड के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है, या आपके पूरे घर के अंदर जो बोर्ड लगे हुए हैं उसमें सभी में प्रॉब्लम है। तो आपको पहले सबसे पहले आपको अपने घर के जो भी बोर्ड है वो बोर्ड आपको चेक कर लेना है। तो हम यहाँ पे इस बोर्ड को यहाँ पे चेक कर लें, अभी दूसरे बोर्ड को भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए हम दूसरे बोर्ड को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने दूसरे बोर्ड के अंदर पे लगाया, तो यहाँ पर पेस आपको यहाँ पे शो कर रहा है, और इसके बाद में जो न्यूट्रल के अंदर जो यहाँ पे न्यूट्रल के अंदर हम लगाते हैं, तो यहाँ पर भी पेस शो कर रहा है। आपको यहाँ पे दोनों में चेक करना है, तो दोनों हम दोनों पॉइंट के अंदर चेक करते हैं, तो यहाँ पर पेस भी आ रहा है, यहाँ पर पेस नहीं आना चाहिए न्यूट्रल के साथ में, तो न्यूट्रल के साथ में पेस आ रहा है। तीसरा जो बोर्ड हमारे घर का है उसके साथ में देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी पेस आ रहा है और न्यूट्रल के अंदर भी पेस आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के अंदर ही पेस बता रहा है, यानी हमारे इस घर के अंदर न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, हमारे को पीछे से न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, न्यूट्रल नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर हमारे को पेस दिखा रहा है। आपको पीछे से न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको शो करेगा, दोनों के अंदर पेस करेगा। अगर आपको पेस ही नहीं मिलेगा पीछे से तो आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। इस तरह का अगर आपके घर के अंदर एक बोर्ड में प्रॉब्लम है, तो आपको इस जो बोर्ड की वायरिंग होती है, जो न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर को आपको चेक करना है। सिर्फ आपको न्यूट्रल वायर को चेक करना है, जल गया होगा या कहीं और से आपको न्यूट्रल वायर कट गया होगा, जलने की वजह से यहाँ पर शो कर रहा है। तो हमारे घर के अंदर पूरी लाइट की प्रॉब्लम है, पूरी घर के अंदर इस तरह बोर्ड के अंदर दिखा रहा है। तो हम अनसीबी बॉक्स के अंदर जाके चेक करेंगे, जो हमारा अनसीबी बॉक्स है यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो चलिए हम यहाँ पर टेस्टर लगा के देखते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर टेस्टर लगा के देखते हैं, आपको दोनों दोनों के साथ में टेस्टर लगा के चेक करना है। अगर आपके टेस्टर के अंदर दोनों के साथ में अगर पेस बता रहा है, यहाँ पर इसमें पेस बता रहा है और नोटल में भी पेस बता रहा है, तो आपको फिर से नीचे वाली जो इनपुट इनपुट साइड है उसमें आपको चेक करना है। आउटपुट में यहाँ पर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे को पेस बता रहा है दोनों में, तो हमारी इस यहाँ पर भी दिक्कत है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेस में पेस और नोटल में भी पेस आ रहा है। तो हम बंद करते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेस कट गया तो पेस ऑटोमेटिक बन हो जाता है, तो यहाँ पर फिर वापस शो नहीं होता है घूम के सर्किट से। तो हम जो इनपुट के अंदर भी चेक कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पेस आ रहा है और न्यूट्रल के साथ में भी न्यूट्रल आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारे घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे जो प्रॉब्लम होती है, या तो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कहीं जल तो नहीं गया वायर अंदर से। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे
हमारी जो एनसीबी के अंदर ये वायर जला हुआ, यहाँ पे वायर जल के कट गया है। तो इस तरह से हमारे को यहाँ पर रिटर्न आके यहाँ पर पेश होता है। क्या होता है, सर्किट के अंदर घूम के वापस रिटर्न यहाँ पर न्यूट्रल आ जाता है। अगर न्यूट्रल सही होता है तो नहीं आता है। तो आपको अगर यहाँ से प्रॉब्लम मिल जाती है ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो आपको मीटर के अंदर चेक करना होगा। मीटर के अंदर चेक नहीं तो आपको जो बाहर आपका थंबा लगा होता है बाहर की साइड में सर्विस लाइन के साथ में आपको चेक करना होगा। देख लेते हैं घर के अंदर जाकर किस तरह से आपको इस प्रॉब्लम का सोल्व होता है या नहीं होता। इस बिल्कुल हमारे घर की लाइट आ रही है नहीं आ रही हम चेक कर लेते हैं जाकर अंदर से। तब इसको हम ऑन कर देते हैं। दोस्तों अभी हम इस बोर्ड के साथ में आ गए हैं। तो पहले हमने चेक किया था उसी बोर्ड के अंदर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्ट तो आ रहा है। अभी हम न्यूट्रल के अंदर भी देख लेते हैं न्यूट्रल आ रहा है नहीं आ रहा है। यही बिल्कुल सही है, हम ऑन ऑफ किए तो ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर न्यूट्रल के अंदर कोई भी पेस्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको सोल्व करके आपको चेक करना है। और हमारी लाइट भी यहाँ पर चालू हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल हमारे जो भी उपकरण घर के सभी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको आप देख लीजिए इस तरह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम एनसीबी के साथ में नहीं तो मीटर में हो सकती है, मीटर के नहीं तो बाहर जो पोल लगा पोल के साथ में भी हो सकती है। तो आपको वहां पर चेक कर लेना है, एनसीबी के साथ में चेक कर लेना है। होल्डर बल्ब लगा के आप चेक कर सकते हैं, दोनों वायरों को लगा के आप चेक कर सकते हैं। अगर दोनों वायर लगाने से अगर आपका बल्ब जल रहा है तो वहां पर आपको सही आ रहा है। अगर आपको बल्ब नहीं जल रहा है तो भी जो लाइन होती है उसको आप चेक, जो खम्भे के ऊपर से आपको कोई प्रॉब्लम होगी वहां पे तार आपका जल गया होगा कट गया होगा वहां पे आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर आपको सही करा सकते हैं। पावर हाउस में आप कंप्लेंट दर्ज करा के वहां पर भी आप उसको सही करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ठीक कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।